ये आई मेजरमेंट के तहत 6x6 का जो टेस्ट होता है उसको लेकर ब्रीफिंग दी जाती है। पहले बच्चों को डॉक्टर्स की ओर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, धुंधला दिखता है तो भी मेरे को बताना होगा आपको कि धुंधला दिख रहा है। आई बात सबको समझ में? पक्का? यस सर। यहाँ एक कैंडिडेट से पूरी प्रक्रिया है, वो पूछी जा रही है, देख सकते हैं आप। अभी यू एच आई। और विशेष तौर से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जीडी के कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए आप 6x6 की प्रोसेस इसमें रखी जाती है। बाकी अलग अलग ट्रेड के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जो आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आपकी रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन है इसके अंदर वो जानकारी दी गई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से कैंडिडेट की अच्छे से जाँच की जा रही है कि किस तरीके से इनकी आई को लेके जो प्रक्रियाएँ हैं इनकी आई की मेडिकल की, वो उसमें खड़े हैं या नहीं है। आप यहाँ अच्छे से नोट कर पाएंगे कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस होती है आई के लिए, सारे कैंडिडेट्स की पहले यहाँ रो बनाई जाती है। ये कैंडिडेट्स बैठे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स को पहले अलग दिशा में इनका मुंह रखा जाता है ताकि कैंडिडेट्स पहले इन चीज़ों को रीड ना कर पाए, और उसके बाद जो हेल्प टीम होती है डॉक्टर्स की वो इनको यहाँ मैनेज करती है कैंडिडेट्स को कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इस प्रक्रिया से गुजरना है। और आप मार्किंग भी इन कैंडिडेट्स की देख सकते हैं, ये मेडिकल की जब मार्किंग की हम प्रक्रिया बता रहे थे तो इनकी मार्किंग की प्रोसेस भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भारतीय सेना में एक बड़ा ही जुनून जज्बे के साथ ये कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, आते हैं और इस स्टेज पे पहुँचते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना को ज्वाइन करना हर एक युवा का, हर एक भारतीय का सपना होता है कि वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर देश की सेवा कर सकें। और ये वही युवा जो आने वाले दिनों में इनमें से वो युवा चयनित होंगे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत, और ये आई मेडिकल मेजरमेंट के तहत आप इनकी प्रक्रियाएँ देख रहे हैं।